अरे जीजा जी, नहा रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो? तो चलिए एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। ओके। देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है। हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू, आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडर। ये लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं ये वहाँ पर आ जाती है। देखो जरा। हाँ। मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर एक घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। लाइए जरा दिखाइए। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी जीजू, लड़की है तो एक नंबर। भैया ये सब क्या है? जब तक जॉब नहीं मिलती सोचा घर का काम ही कर लेता हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रेडी है। तुम क्रिएटिविटी दिखा दो, मैं डायरेक्शन देख लूंगा। वैसे कहानी बहुत अच्छी है, अब इस फिल्म को जल्दी रिलीज करो, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। जीजू, लंच बॉक्स। सुनिए, लंच के साथ मैंने नाश्ता भी रख दिया है। लंच के बाद फ्रूट खा लेना, नाश्ते से पहले जूस पी लेना, और फिर भी भूख लगे तो ये नमकीन खा लेना, तब भी पेट ना भरे तो इसमें चने रख दिए हैं। एक तकिया और कंबल भी रख दो, खाकर वहीं सो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, अगर काम पर जा रहे पति को तुम इसी तरह का खाना देती रहोगी तो आज जो ये फिट एंड फाइन दिख रहे हैं ना, वो बड़ी तोंद लेकर तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तुम अपने पति को जितना आलसी बनाओगी ना, तुम्हें उतने ही हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है। अपने पति को खाने के जरिए प्यार दिखाना गलत है? और क्या, उसी प्यार से डेली 10 किलोमीटर इन्हें दौड़वाना चाहिए तुम्हें, फिर देखना तुम्हारे हस्बैंड की फिटनेस। इस फिटनेस की बात बाद में करना, कल तुम्हारे लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, वहाँ दिखाना अपना परफॉर्मेंस। अपना कार्ड दीजिए, इसके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? यहाँ है, सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। फिर चेकबुक का मैं क्या करूँगा, तुम उसे भी रख लो। हर ससुर अपनी बेटी के साथ दहेज देता है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे दहेज में साला दिया है, वो भी बहुत खतरनाक। ए सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो, ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी, क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए? 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा। चलो घर जाओ। बेटा ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो, और 500 रुपए ऐसे दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या, मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? व्हाट? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है।
इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। आई लव यू। व्हाट। मैं यही कहने आया था लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था। परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चॉको चिप्स। ग्रेट, हे सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। टू चॉको चिप्स। कहाँ चली गई? सर सर, आपसे मुझे बात करनी है सर। देखो मैं लड़कों से बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए जो भी बात है जरा जल्दी बता। बस दो मिनट सर। ए जल्दी आ। सर ये कल्याण है। मॉर्निंग सर। अरे ये इतना स्मार्ट क्यों है? ही गॉट हर्ट, मैनेज करना होगा। हेलो दीदी। हाय सिस्टर। बड़ी माँ। ये तो साफ लगता है। आई एम सेफ, लव यू मैन। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा साला है, आप इसे जॉब दे दीजिए, मैं मिठाई बांट दूंगा। वो तो पता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जैसी बड़ी कंपनी का गरीब लोगों की सेवा करने का एक रूल होता है ना सर, उन सभी कामों को मैं हैंडल करूंगा और अच्छे से करूंगा। वैसे भी ये काम के प्रति बहुत ही मेहनती है, इसीलिए हर कोई इसे महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं, MLA। फाइल तो बड़ी मस्त है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? तो कब से आ जाऊं सर? सर अरे जाग मुसाफिर जाग। शुरू कर दो। ओके सर, थैंक यू सो मच। Today onwards, you are promoted as production manager. Thank you sir. Thank you so much sir. यही बात आकर शाम को गेस्ट हाउस में भी बोल देना। मुझे भी तो दे सकते हो ना प्रमोशन। हे ऊपर वाले कल्याणी, you are overqualified. मेरा भी एक टेस्ट है। मेरा भी तो एक टेस्ट है सर। एक बार आप मेरे घर आओगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मालिक, जब मैं आपकी कंपनी में आया था मेरे पास लोकल बस के भी पैसे नहीं थे, और आज बहुत सारी बैंकों से लेकर स्विस बैंक में जितना छुपाना था सब छुपा दिया। वो सारा का सारा माल आपका ही था मालिक। क्या मालिक, आपने मुझे एक ऐसी सजा दी? चंटी जी, 20 साल पहले मैंने आपकी इस कंपनी में कदम रखा था, और आज अपनी कंपनी मेरे हाथों में देकर आप अमेरिका सेटल हो गए और आज तक नहीं लौटे। कूल चंटी जी, कूल। ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है सर। और कितनी फाइल्स देखूं मैं सर, एक एक फाइल को देखते देखते मैं बहुत घायल हो चुका हूँ सर। सर कोई कोई फाइल तो ऐसी होती है कि जी करता है उसे तकिया बना के सो जाऊं, बार बार फाइल चेक करने का मन करता है मेरा। अगर इतना मुश्किल है तो यहाँ भेज दो ना, मैं देख लूंगा। अब इस उम्र में आपको क्या परेशानी देना सर, ये परेशानी मैं ही झेल लूंगा। ठीक है ठीक है, दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इंडिया जाने वाली है। ठीक है सर। बेटी ने अकाउंट्स में मास्टर डिग्री किया है, उसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो वो बोली कि मैं कहीं और नहीं अपनी कंपनी में ही करूंगा। सर बेटी वहाँ 2 महीने रहेगी। हाँ, यू डू वन थिंग सर, बेटी के लिए एक अच्छी सी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करो। ठीक है सर। सर क्या है? अपने प्लान एक्सटेंशन का सैंपल रेडी है सर। गुड, तो एक काम करो, तुरंत सर्वे शुरू करवा okay, दो सर। और साथ में हमें एक पीए अपॉइंट करनी होगी। हाँ? तो फॉरन इंटरव्यू अरेंज करवाओ। जी सर। प्रसाद सर, सारी की सारी फाइल सोहन पपड़ी की तरह होनी चाहिए। एक दिन तू ना तड़प तड़प कर मरेगा। प्रसाद तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं सर। यू कैन गो। हेलो। हाँ पापा। फोन मत किया करो, कितनी बार बोलूं? पापा तुम्हें जिससे बात करनी है वो यहाँ नहीं है। प्लीज पापा मुझसे बात करो पापा। अगर मेरी बेटी को बचपन में चोट लगती थी तो रोना मुझे आता था, अब तुम्हारे रोने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। शायद तुम्हारे लिए मेरा प्यार मर चुका है। पापा प्लीज पापा मुझसे बात करिए, फोन मत काटिए पापा। पापा